बिस्मिट बायस देख रहे सारे ही दर्शकों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सारिया पंचायतों ये अपील करदा कि 70 साल तो वध समा हो गया देश आजाद होए नू, लाल लखीर जो गुलामी की निशानी है उस तो छुटकारा नहीं पा सके। लोक जन शक्ति पार्टी के माध्यम तो राम विलास पासवान की मदद नाल, चिराग पासवान की मदद दे नाल, पिछली पंजाब सरकार तो लाल लकीर नू खत्म करन लई 30 दिसंबर 2016 नू असी एक नोटिफिकेशन जारी करवाया सी, जिदे विच इह सीगा कि फ्री ऑफ कॉस्ट बिना पैसे तो रजिस्ट्रियां करके लोगों को घरां दे मालक बनाया जाएगा। क्योंकि लाल लकीर के अंदर रहिंदे जिहड़े लोग ने 80% लोग ने, और उन्होंने किसी कास्ट का मुद्दा नहीं है, किसी जात धर्म का मुद्दा नहीं है, वो सारे लोगों वास्ते मैं समझदा कि गुलामी की एक निशानी है। इस गुलामी की निशानी को खत्म करना चाहिए। शहीद आजम भगत सिंह होरां ने फांसियां दे रस्से चुम के इतों अंग्रेज़ों को भजाया, पर असी इतने उन्हां द्वारा दित्ती गई लाल लकीर जिहड़ी हैगी है उहदे अंदर टप्परी बासां की तरह जिंदगी बतीत कर रहे हैं। इसलिए मैं नवीं चुनिया गई पंचायतों नूं बेनती करना चाहुंदा कि आप आओ इस संघर्ष के विच तुसी भी आप सारे रल के योगदान पाइए, गुलामी की निशानी लाल लकीर नूं खत्म करके पंजाब के 80% लोगों घरां दे मालक बनाउण लई आप काम करिए। हुण नवीं चुनिया गई पंचायतां इस लड़ाई च इस अंदोलन के की सहयोग कर सकदियां, मैं उहदे बारे 2 मिनट जरूर थोड़े नाल विचार सांझे करना चाहुंदा। नवीं चुनिया गई पंचायतों ना कोई अंदोलन करन की लोड़ है, जे अंदोलन करन लई अगे आउण तां मैं बहुत धन्नवाद करूँगा, जे अंदोलन नहीं करना तां मैं नवीं चुनिया गई पंचायतों नूं सरपंचां नूं मैंबरां नूं यह बेनती करना चाहुंदा कि पंचायतां सर्बसम्मति नाल मते पास करन, मते पा के सरकार नूं भेजण कि गुलामी की जिहड़ी निशानी लाल लकीर है इस नूं सरकार तुरंत खत्म करे। क्योंकि इस गुलामी की निशानी लाल लकीर दे नाल जिथे लोगों गुलामी का अहसास हुंदा है उत्थे बेजमी ने लोगों नूं बैंकों तो कर्जे लैण वास्ते, अदालतों में जमानत करवाउण वास्ते, होर कई जगह के उत्ते जिम्मेवारियां निभाउण दे विच जो नमोशी का सामना करना पैंदा है, मैं वो देखी है, लोगों के दर्द नूं मैं समझा। इस करके 11 साल तो लैके अपने वर्करां दे नाल, गरीब वर्करां नूं नाल लैके कदे चंडीगढ़ वल मोटरसाइकिल मार्च, कदे साइकिल मार्च, कदे भुख हड़ताल, कदे धरने, कदे गिरफ्तारियां, बड़ा लंबा संघर्ष असीं कीता, जिस करके प्रकाश सिंह बादल जी की सरकार ने 30 दिसंबर 16 नोटिफिकेशन किया। मैनू बड़े अफसोस नाल इत्थे कहना पै रहा है कि पंजाब दे विच मौजूदा कांग्रेस की सरकार है तो सरकार ने इस फाइल नूं हले तक उठाया नहीं, चक्या नहीं। मैं इस मामले नूं लैके 2 बार राजपाल पंजाब नूं लोक जन शक्ति पार्टी के वफद समेत मिल चुकिया, और राजपाल पंजाब जी ने भरोसा दिता है कि असीं जल्द ही लाल लकीर नूं खत्म करके लोगों नूं घरां दे मालक बनावांगे, पर बड़े अफसोस की गल है कि पंजाब की मौजूदा सरकार जिहड़ी है ये लाल लकीर वाले मसले नूं उस फाइल नूं चुक ही नहीं रही, उस फाइल नूं हिला ही नहीं रही। तो इस करके मैं पंचायतों नूं हाथ जोड़ के बेनती करदा कि पंचायतों के जिहड़े नवें चुने गए नुमाइंदे है वो एक इतिहासिक कार्य करन, क्योंकि जिवें किसी ने कहा सी कि जंगल दे विच किते अग लगी हुई है तो उस अग नूं बुझाउण वास्ते छोटी जी चिड़ी एक जतन करती है, छोटी जी पंछी है एक चिड़ी वो जतन करती है, तो वो जिहड़े जंगल च रहण वाले दूसरे पंछी है वो चिड़ी नूं पुछदे है कि तू की कर रही है, तो वो चिड़ी कहती है कि मैं जंगल दे विच लगी अग नूं बुझाउण दा जतन कर रही हूँ, तो दूसरे पंछी उस चिड़ी का मजाक उड़ाते हैं कि लै तेरे चुंझ दे तुपके नाल किते अग ना बुझवे, पर वो चिड़ी उन्हां नूं जवाब दिंदी है कि मैनूं पता है शायद मेरे चुंझ दे इस तुपके नाल अग ना बुझे, पर एक गल मैनूं पता है कि आने वाले समय का इतिहास लिखा जाना है, आने वाले समय का इतिहास बनना है, तो उस इतिहास के मेरा जिक्र होना है कि मैं जंगल के लगी अग नूं बुझाउण दा जतन किया, तो मेरा नाम सुनहरी अखरां विच लिखा जाना है। तो इसलिए मैं नवीं चुनिया गई पंचायतों ये गल कहनी चाहना कि आप इन्हें जतन करिए, इतिहास के अपना नाम लिखवाइए कि लाल लकीर को खत्म करके लोगों घर के मालक बनाइए, कि बेजमी ने लोगों रोज़मर्रा की जिंदगी दे अपमानित होने तो असी बचा सकी। तो इसलिए यही मेरी नवीं चुनिया पंचायतों बेनती है, नवें चुने गए पंचों सरपंचों
फिर एक बार अपने वालों बेनती करदा कि आओ लाल लकीर नूं खत्म करके लोगों असल आजादी आप दवाईए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।